अच्छा कमाई है नहीं। हाँ परिवार पहचान पत्र पीपीपी के डेटाबेस पर बीपीएल राशन कार्ड कटने से गुरुग्राम के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, वैसे लोगों को परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 2 से 5 लाख तक दिखा दी गई है। ऐसे में उनका न बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है और न ही आयुष्मान कार्ड, बल्कि जिनके बने हुए थे उनके भी अब बीपीएल राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड से नाम कट रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 के समाजसेवी सतीश चोपड़ा के कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। आइए जानते हैं क्या है इनकी परेशानी। ज्योति, हम अम्बेडकर नगर में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, 2 लड़कियां हैं कि ये इसमें फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा कर रखी है। अच्छा, तो कहाँ आए हुए सतीश भैया? भाई साहब के यहाँ पे आए हुए हैं। क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला कैंप लगाएंगे, ठीक करवाएंगे इसको। मैं घर पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, वो मजदूरी करते हैं। देखिए, आज हमारे वार्ड के सभी लोग, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने 29 तारीख को 29/12/2022 को अतिरिक्त उपायुक्त जी गुरुग्राम को एक आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ पे एक कैंप लगाया जाए, परिवार पहचान पत्र कैंप, जिससे यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं परिवार पहचान पत्र से संबंधित वो जल्द से जल्द दूर हो सके और इनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं वो जरूर मिले। पर उम्मीद है कि लोगों का सुधार होगा। बिल्कुल सुधार होगा जी, जो जेन्युइन समस्याएं हैं। अब ये देखिए, आप इसको फोकस कीजिए एक बार। अब ये दिया है, इसकी एज देखिए आप, 4 वर्ष है। क्या ये 15,000 रुपए कमाएगी? अच्छा, ये सेकंड है, बेबी ऑफ रेनू, इनकी एज 2 साल है। अभी इनका नाम भी नहीं देखो मेंशन है, आधार कार्ड पे नाम भी नहीं चढ़ा है इनका। अच्छा। इनकी इनकम भी 15,000 वेरीफाई है, कंफर्म वेरीफाइड। जो त्रुटियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो, इस पे दिक्कत, कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है इनकी। बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी हमने बनवाए लोगों के, इनका किसी का नाम भी नहीं आया है। मेरा नाम है शशि बाला, भवानी क्लब रहती हूँ, मैं रेंट पे रहते हैं। पहले हम क्या करें, कितना साल से रह रहे हैं यहाँ? रह रहे हैं 30 साल से रह रहे हैं हम यही। हमको दिक्कत है, हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सरकार से आज तक हमको कुछ नहीं मिला। हमारा वोट है जो सब कुछ हमारा यही का ही है। परिवार पहचान पत्र तो बना कि नहीं बना? सब चीज है उसमें, हमारे 5 लाख इनकम है हमारी। अच्छा। अब बताओ हमारे कहाँ से 5 लाख करते हैं? वही करते हैं, मजदूरी करते हैं, कभी होती है कभी क्या करें नहीं होती है मजदूरी। आज आप ये सोचते हो मजदूरी तो कभी लगती है कभी क्या करें नहीं लगती है। इनकम तो इन लोगों ने लगा दी 5 लाख रुपए, तो हम खाने के लिए कहाँ जाते हैं? इन लोगों के घर जाते हैं, कहीं उसमें जाते हैं भंडारे में। अगर कोई कोई भी करे, हमारा जो हेल्प करेगा हम उसके साथ, जो नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं है बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम दामोदर कौशिक है और एक मैं सीएससी संचालक हूँ। लोकल कमेटी में इनकम वेरिफिकेशन का काम भी है हमारा। लोगों में अभी इस टाइम जो खास करके जो दिक्कत आ रही है वो इसमें ये आ रही है कि जिनकी 1/40 से और 1/80 तक वेरीफाई भी है, बहुत लोगों का उनका नाम भी नहीं आ रहा है। अच्छा। सेकंड बात, जो रेडी टपरी वाले लोग हैं उनकी 1/80 से ऊपर कर रखी है वेरीफाई। अच्छा। अगर हम उनकी रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं तो ये जो दूसरा केस है ना, ये सेक्टर कमेटी में जाता है हमारा। अच्छा। तो सेक्टर कमेटी में लगातार स्पेंडिंग दिखाया हुआ है। अच्छा। जिन लोगों का नाम नहीं है 1/80 तक जिनकी वेरीफाई है, उनका अगर मान लो उसमें राशन कार्ड में नाम देखते हैं, उनका ये भी नहीं दिखा रहे कि भाई किस वजह से इनका काटा हुआ है। अच्छा। ठीक है। और एक इनकी जो साइट की बहुत मतलब काम ही नहीं हो रहा, तो सिस्टम गड़बड़ है। सिस्टम गड़बड़ मेन चीज है। सरकार से हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जी एक तो सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त बनाया जाए, सेकंड बात भाई जिन लोगों का नाम नहीं आया कम से कम उनका रीजन तो पता चले। क्योंकि सरकार ने जो 3 क्राइटेरिया निकाल रखे हैं कि भाई या तो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है बंदा, या कहीं वो सरकारी जॉब में है, ठीक है जी, या फिर कहीं पे मतलब प्राइवेट नौकरी में 1/80 से ऊपर उसकी तनख्वाह है। लेकिन जो रेडी टपरी वाला है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, ना ही उसका कोई ये है कि भाई वो उसकी कोई पक्की नौकरी है, उसके बावजूद भी उनके राशन कार्ड के दबादब मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपका राशन कार्ड काटा गया है।
तो सरकार से ये दरख्वास्त है जी कि जो लोग पात्र हैं, देखो सरकार अभी रोज कह रहे हैं कि भाई जो लोग पात्र हैं सबका उनका बन जाएगा, लेकिन अब ऐसे लोग परेशान होते रहेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। मेरा नाम शालिनी है, मैं सतीश चोपड़ा जी के ऑफिस में काम करती हूँ। हमारे यहाँ पे डेली 100-200 लोग आ रहे हैं जिनको इनकम की फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी हम लगे हुए हैं ताकि इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। गीता है, मैं यहाँ रहती हूँ अम्बेडकर कॉलोनी में। मेरी इसमें राशन कार्ड में इनकम ज़्यादा बढ़ा रखी है, और जो व्हाइट वाले राशन कार्ड से राशन मिलता था वो भी रद्द कर दिया है। और बताओ, हम 4 बच्चे और एक आदमी कमाने वाला, किराए पर हम रहते हैं। पूनम महेश्वरी सूर्य विहार से, मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी इनकम इसमें 5 से 6 लाख से ऊपर दिखा रखी है, और मेरे को पेंशन कहाँ से मिलेगी फिर, और मैं 60 साल से ऊपर हूँ। मेरा नाम गोपाल है, देवीलाल कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में हूँ मैं। और भाई मजदूर आदमी है और इसमें इनकम कर रखी है 1,80,000 से लाख कर रखी है, और मेरी माँ की चढ़ा रखी 50,000 की, जो कि बेचारी अपाहिज है, चल भी नहीं सकती बेचारी है, और मेरी वाइफ की 50,000 कर रखी है। तो यार हम तो यही चाहें भैया यहाँ कैंप लगाया जाए और ये जो है कम करी जाए, और हमारा बीपीएल कार्ड में नाम आया है वो कट गया, वो दोबारा से बने। रिहाना कहाँ से है? गुड़गांव से है, तुलसी कॉलोनी से, देवीलाल कॉलोनी। तो क्या दिक्कत है? राशन कार्ड नहीं बन रहा। इनकम कितना दिखा रखा है? 2.5 से 2 लाख। गायत्री क्या दिक्कत है? सर हमें दिक्कत है, हमारा बीपीएल राशन कार्ड बनता है, हमारा नाम कट गया है। हमारे घर वाले वो करते हैं डिप्टी 300-400, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनसे हम काम चलाते हैं। हाँ तो हमारा इनकम ज़्यादा 2.5 लाख कर दिए हैं, 2.5-3 लाख रुपया रहता तो हम यहाँ थोड़ी रहते हैं। मेरा नाम रूपचंद है, देवलाल कॉलोनी 3 नंबर गली में रहता हूँ मैं। मेरे एक लड़का है, हमारी उम्र 68 साल है, हम तो कमा नहीं सकते, और हमारी इनकम 2.5 लाख रुपये दिखा रखी है। हमारा ना तो राशन कार्ड बन रहा है, ना बीपीएल का, ना वैसे। तो कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हमारी सुनाई करे, और हम सबको गवर्नमेंट जो सुविधा होनी चाहिए वो हमें मिले। मीरा क्या दिक्कत है? ये भी इसमें 2.5 लाख रुपया लिख रखा है। हाँ। और इतनी हमारी इनकम है नहीं। हाँ। खाली मेरा आदमी परेश करता है, और लड़का जो किसी की गाड़ी साफ करता है, ये वो है, और किराए पर हम रहते हैं। तो ये ऐसे बना दिया, ना तो हमारा बीपीएल कार्ड बन रहा, ना ये 5 लाख वाला बन रहा, कोई सा भी नहीं बन रहा हमारा। जो जाते कोर्ट में गए 3-4 चक्कर काटे, कोर्ट में किसी ने सुनाई नहीं करी। यहाँ जाते तो ये कहते भाई कोर्ट में जाकर ठीक करा के आओ। गलत चढ़ गया उसका मिंद्रो, और बाप का नाम है आसाराम। अच्छा। वो कोर्ट में कल 3-4 दिन हो गए भाग रही हूँ। हाँ। नाम नहीं हटा रहे, वो कह रहे वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई सुनते ही नहीं है। कमलेश फिरोज गांधी कॉलोनी से, हमारी बच्चों की 3-3 साल के बच्चे हैं, 4-4 साल के, उनकी 15-15 हजार रुपए सैलरी लिख के ना हमारी आईडी बना रखी है। आप सभी की एप्लीकेशन लिखी जाए। 4 साल का बच्चा कमाएगा 15 हजार रुपए, ये बताओ आप। नहीं हमारे को नहीं पूछा गया, हमारे बगैर पूछे ये आईडी बनी है, ये पास पार्षद नहीं करी है। हाँ हम अनपढ़ है, लिखे पढ़े नहीं है, घर किसी को भेज देते हैं, वो पूछते हैं तुम्हारे कितने लड़के हैं, हमने बता दिए 3 लड़के, क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप जैसे कि गाड़ी चलाते हैं, उसी हिसाब से सैलरी खुदन ने लिख के खुदन ने हमारी ये आईडी बना दी। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं फिरोज गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ जी। मैं बीमार रहता हूँ ज्यादातर, मेरी आय 1,80,000 दिखा रखे। जो मेरा नाम रामचंद्र है, मैं फिरोज गांधी से आया हूँ। अच्छा। मेरे घर की, मेरे घर से जो है वो हाउस वाइफ है, जिसकी 75,000 से 1,00,000 तक इनकम दिखा रखी है। हाँ। और मेरी 2 लड़कियां हैं। अच्छा। जिसकी 5,000 से 10,000 तक इनकम दिखा रखी है। अच्छा। और मेरी सालाना इनकम 90,000 रुपए है। हाँ। जो 1,00,000 से 1,40,000 तक दिखा रखी है। अच्छा। ठीक है, हम सतीश भाई के यहाँ आए हैं अपनी समस्या हल करवाने के लिए, कृपा करके हमारी समस्या हल करी जाए। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि राशन नहीं मिलेगा इससे, पीला कार्ड नहीं, और पीला कार्ड नहीं बनेगा। मेरा नाम माया है, हम यहाँ फिरोज गांधी कॉलोनी में रहते हैं 2 नंबर में। अच्छा। और मेरे जिसमें फैमिली आईडी में 2,80,000 वो बता दिए, 2.5 लाख सैलरी बता दिए, जिसमें मैंने अभी 2 लड़कियों की शादी कर दी है। निशा खान कहाँ से है? देवीलाल कॉलोनी 5 नंबर गली। ललिता देवी कहाँ से है? मैं अम्बेडकर कॉलोनी 2 नंबर गली से। इनकम कितना दिखा? 8 लाख दिखा रहे हैं आमदनी। अच्छा, मेरे सर
मैं विधवा आदमी हूँ जी। विकलांग मेरा लड़का है, बस मैं कोठी में झाड़ू पोछा लोगों को करता हूँ। अब मेरा राशन कार्ड ना बनेगा तो मैं फिर कैसे का करेंगे। तो बने रहे आरबीएम न्यूज के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आरबीएम न्यूज हमेशा सच के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आरबीएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।